पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में ज्यादा हार्मोनल प्रॉब्लम होती है, इसी वजह से महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा डिसीज भी ज्यादा होती हैं। इसी तरह की हार्मोनल डिसीज PCOS के बारे में आज हम बात करेंगे। PCOS डिसीज क्या होती है, इसके लक्षण, इसके कारण एवं इसके कैसे छुटकारा पा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रकाश शाक और आप देख रहे हैं डॉक्टर स्मार्ट हेल्थ केयर। PCOS यानी कि पॉलीसिस्ट ओवरी सिंड्रोम, इस डिसीज को PCOD के नाम से भी जाना जाता है, पॉलीसिस्ट ओवरी डिसीज के नाम से भी जाना जाता है, महिलाओं की ओवरी से जुड़ी एक बहुत ही गंभीर बीमारी है। ये एक हार्मोनल डिसीज है, इसकी वजह से महिलाओं के शरीर में हार्मोन का संतुलन बिगड़ने लगता है। ऐसे में महिलाओं के शरीर में फीमेल हार्मोन की जगह मेल हार्मोन यानी कि एंड्रोजन का लेवल बढ़ने लगता है। इस स्थिति में पॉलीसिस्ट ओवरी सिंड्रोम डिसीज होने लगती है। इस डिसीज में ओवरी में कई गांठें मतलब सिस्ट बनने लगती है। ये सिस्ट छोटे छोटे थैली के आकार की होती हैं और इनमें तरल पदार्थ भरा होता है। ये सिस्ट और ओव्यूलेशन की प्रक्रिया में रुकावट डालने लगती है। ओव्यूलेशन की प्रक्रिया न होने की वजह से PCOS डिजीज वाली महिलाओं में प्रेगनेंसी की संभावना कम हो जाती है। ऐसा नहीं है कि PCOS से ग्रसित महिलाएं कभी मां नहीं बन सकती, बल्कि ये रोग की गंभीरता पर निर्भर करता है। सही इलाज और जीवन शैली में जरूरी परिवर्तन करके इससे पीड़ित महिलाएं भी गर्भवती हो सकती हैं। इसके कारणों के बारे में बात करें तो हालांकि इसके कारणों का अभी तक सही पता नहीं लग पाया है, लेकिन पॉलीसिस्ट ओवरी सिंड्रोम में हार्मोन डिस्टर्बेंस और आनुवंशिकता खास भूमिका निभाती है। एंड्रोजन का लेवल अधिक होना भी इसका बहुत बड़ा कारण है। इस डिजीज के सिम्टम्सों के बारे में बात करें तो अनियमित महामारी, PCOS का प्रभाव आपकी महामारी पर सबसे ज्यादा पड़ता है और इसकी वजह से ही मंथली सर्कल बिगड़ जाता है, मतलब कई महिलाओं में समय पर महामारी नहीं आती है। पेट में दर्द यानी सिस्ट ज्यादा बढ़ जाने के कारण पेट में दर्द होने लगता है और ये दर्द धीरे धीरे ही जाता है, एकदम ये दर्द नहीं जाता है। अधिक रक्तस्राव, PCOS से पीड़ित महिलाओं में पीरियड के दौरान सामान्य से अधिक ब्लीडिंग होने लगती है। अनचाहे बालों का बढ़ना, PCOS से पीड़ित अधिकांश महिलाओं में हिर्सुटिस की समस्या होने लगती है। इसमें महिलाओं के चेहरे पर शरीर पर पुरुषों की तरह बाल उगने लगते हैं और बहुत तेज गति से बढ़ने लगते हैं। PCOS डिजीज से पीड़ित महिलाओं में एंड्रोजन का लेवल बढ़ने लगता है, जिससे चेहरे और सीने पर मुहासे निकलने लगते हैं। यदि बार बार चेहरे पर मुहासे निकलते हैं तो PCOS होने का एक बहुत ही बड़ा सिम्टम्स है। ठीक तरह से नींद ना आना, इस डिसीज में महिलाओं को ठीक तरह से नींद नहीं आती है और सोकर उठने के बाद भी ऐसा लगता है कि अभी नींद पूरी नहीं हुई है। वजन का बढ़ना, इस डिसीज में महिलाओं का वजन बढ़ने लगता है और यदि आप ठीक तरह से ख्याल नहीं रख पाती हैं तो आप मोटापे का शिकार हो जाती हैं। हार्मोनल डिस्टरबेंस, यदि आपके शरीर में किसी भी तरह का हार्मोनल डिस्टरबेंस हो रहा है तब भी PCOS की समस्या होने की संभावना बढ़ जाती है। चिड़चिड़ापन, यदि आपके व्यवहार में किसी भी तरह का चिड़चिड़ापन शुरू हो जाता है तो आपके शरीर में PCOS की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। इस डिसीज से कैसे छुटकारा पा सकते हैं, इस डिसीज को रोका तो नहीं जा सकता है, लेकिन फिर भी इस डिसीज का सही समय पर ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो ये एक बहुत बड़ा गंभीर रूप धारण कर सकती है और इसके साथ साथ BP, ओबेसिटी, डायबिटीज, हार्ट डिसीज होने लगती हैं। आपको एक साथ कई लक्षण नजर आए तो आप घबराएं नहीं, आप गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर से मिलें, जो महिलाओं की जो डॉक्टर होती हैं उनसे मिलें, वो कुछ टेस्टों के लिए एडवाइस कर सकती हैं आपके लिए, जैसे ब्लड टेस्ट, हार्मोनल टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, जो सोनोग्राफी होती है उसकी टेस्ट के लिए एडवाइस कर सकती हैं ताकि उसमें पता चल सके कि आपको सिस्ट है कि नहीं है और यदि है तो किस आकार की है, उसको किस तरह से अपन ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और यदि सिस्ट का आकार छोटा है तो वे दवाओं, सही खान पान और नियमित व्यायाम से PCOS की प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। और यदि आपके सिस्ट का आकार बड़ा है तो डॉक्टर आपके लिए सर्जरी के लिए एडवाइस कर सकते हैं। शरीर में किसी भी तरह के लक्षण नजर आए तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क जरूर करें ताकि आपको सही ट्रीटमेंट एवं सही सुझाव मिल सके। एक बात और मैं बता दूं, वैसे भी बिना डॉक्टर की एडवाइस से किसी भी तरह की मेडिसिन नहीं लेना चाहिए। आपका दिन मंगलमय हो, आप सदा खुश रहें, सदा स्वस्थ रहें। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ऐसे संबंधित वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके।